हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय किचन रचनास किचन। आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही रिफ्रेशिंग सी एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि है वाटरमेलन जूस की और मस्कमेलन जूस की। और इन दिनों चल रहे हैं नवरात्र और साथ ही में चल रहे हैं रमदान, तो ये जो दोनों जूसेस हैं आप रमदान और नवरात्र में आसानी से ले सकते हैं। बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही प्योर हैं। तो आइए देखिए कैसे बनाएंगे वाटरमेलन जूस और मस्कमेलन जूस। सबसे पहले हम बनाएंगे वाटरमेलन जूस। उसके लिए मैंने लिया है तरबूज या वाटरमेलन, और अब इसको मैं कट कर लूँगी। छोटे छोटे पीसेस में इसको कट करेंगे और इसकी जो छाल होती है, जो रिंड होती है, उसको हम निकाल देंगे। उसको बिल्कुल भी नहीं लेना है फ्रेंड्स। ये जो वाटरमेलन की छाल होती है, आप इसको फेंकिएगा नहीं। इस छाल से हमने बनाई थी टूटी फ्रूटी। उस टूटी फ्रूटी का वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। टूटी फ्रूटी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को बहुत मज़ा आता है। उस टूटी फ्रूटी से मैंने बनाए थे बंस, तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी उसका लिंक भी, बंस का। तो वो भी बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसे बने थे आपके टूटी फ्रूटी बंस एंड टूटी फ्रूटी। ऐसे छोटे छोटे पीसेस में इसको हम कट कर लेंगे और अब जूसर में ये सारे पीसेस हम ऐड कर देंगे और बीज इसमें ना आए इसका खास ख्याल रखेंगे। फिर इसमें मैंने ऐड की है 5 से 7 पुदीने की पत्तियाँ, ये फ्रेश पुदीना है, 1.5 चम्मच काला नमक और ब्लैक पेपर। वैसे तो वाटरमेलन काफ़ी स्वीट आ रहा है इन दिनों बिकॉज एकदम हीट है, लेकिन अगर आप चाहें तो 1 चम्मच शुगर भी इसमें ऐड कर सकते हैं अगर आप थोड़ा ज़्यादा मीठा पीते हैं तो। और अब हम इसे पीस लेंगे, बिल्कुल भी पानी ऐड करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। और अब इसे हम छान लेंगे। और ये जो छलनी के पीछे वाटरमेलन है उसको भी आप ले लीजिए। हमारे चैनल पे हम कोशिश करते हैं जितनी ज़्यादा चीज़ें वेस्ट ना हो, जितना हम रीयूज़ कर सकें उतना हम अच्छा है एनवायरनमेंट के लिए भी और हमारे लिए भी। तो हम कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करते, तभी मैं कहती हूँ वाई टू वेस्ट। और फिर हम 1/2 लेमन जूस इस वाटरमेलन के जूस में ऐड कर देंगे। और अब इसे मैं ठंडा होने फ्रिज में रख दूंगी। 2 से 3 घंटे में ये बहुत ठंडा हो जाएगा, तभी इसका पीने का मज़ा भी आता है। और हमारा ठंडा ठंडा कूल कूल वाटरमेलन जूस रेडी है फ्रेंड्स। आइए अब हम बनाएंगे मस्कमेलन जूस। और अब हम बना रहे हैं मस्कमेलन जूस यानी कि खरबूजे का जूस। सबसे पहले हम एक खरबूजे को बीच से कट कर लेंगे और जितने भी बीज हैं, सीड्स हैं, उसको रिमूव कर देंगे और ऊपर की जो छाल है उसको भी निकाल देंगे। और फिर मस्कमेलन को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। मस्कमेलन मैंने काट के तैयार कर लिया है। एक जूसर लेंगे और उसमें सारे पीसेस मस्कमेलन के डाल देंगे। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून शुगर, क्योंकि ये मस्कमेलन थोड़ा कम मीठा था इसलिए मैं शुगर ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो ना भी डालें। और फिर मीठे को बैलेंस करने के लिए चुटकी भर मैंने डाला है ब्लैक सॉल्ट, और बिल्कुल भी पानी इसमें ऐड नहीं करेंगे और इसको पीस लेंगे। ऐसे तो ये आधा कच्चा पक्का पीस गया है, अब मैं इसमें थोड़ी सी आइस डाल के वापस से इसको पीस लूँगी। और हमारा मस्कमेलन जूस या खरबूजे का जूस रेडी है फ्रेंड्स। ये दोनों जूसेस आपको हाइड्रेट रखेंगे इस फेस्टिविटीज के सीजन में। जरूर बनाइएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि कैसे बने थे आपके जूसेस। हैप्पी रमदान एंड हैप्पी नवरात्रे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।